फिर वही सपना देखा है, फिर वही चीख। Yes, Pinky, it has become a damn routine. नींद आराम कर रखी कम वक्त ने। Why don't you take her to some hospital? गुड इवनिंग। तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ। मदर, हमें डर लगता है। आशा इसी तरह चिखती गई तो? वो जानबूझकर तो नहीं करती, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं रहम करना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। बट मदर शी गो गो टू योर रूम्स। फिर वही ड्रिंक? यस मदर। आशा, तुम इतना डरती क्यों हो? ये तुम्हारे मन की कल्पना है, धोखा है। आशा, तुम समझदार लड़की हो। ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स का सच्चाई से कोई संबंध नहीं। मगर ये ड्रीम नहीं था, लगता था वाकई को मैं गलत बा रहा है। डोंट बी सिली, दरवाजे खिड़कियां सब बंद है, पहरे पर वॉचमैन है, कोई अंदर कैसे आ सकता है? ये तेरे मन का वहम है बेटी। तुम अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? डॉक्टर विजय को जानती हो? यस मदर, आशा उसे बहुत अच्छी तरह जानती है। फिर क्या प्रॉब्लम है? कल सुबह ही डॉक्टर के पास चली जाओ। अब सो जाओ, थोड़ी नींद मिलेगी तो फ्रेश हो जाओगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मदर। आप तो खामखाई घबरा रहे थे। You are absolutely normal. Are you very much sure? I am absolutely normal. Absolutely normal. ये तो आप पहले भी कई बार कह चुके हैं डॉक्टर। आज भी तो यही कह रहा हूँ, आइए। मगर डॉक्टर, लगता है आपको इस बात से तकलीफ हो रही कि आपको कोई तकलीफ क्यों नहीं? तो फिर इस तकलीफ का क्या इलाज है डॉक्टर? Very simple. दिन में एक दो बार दिल खोल के हंसा कीजिए, और फिर जिस चीज पर पैसे नहीं लगते उस चीज में कंजूसी क्यों? नहीं। थैंक यू डॉक्टर, फिर आऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कम इन। मैं बहुत नाराज हूँ। हाँ? तुमसे नहीं, इससे। ओह। अरे, अपनों की बीमारी की खबर गैरों से पता लगती? यहाँ पर ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, अपने दुख और परेशानियां लाकर मेरे टेबल पर रख देते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते चले जाते हैं, मगर तुमों की अपने दुखों को गले से लगाकर हॉस्टल के किसी कोने में छुपी बैठी हो। हा? मैंने सोचा कि क्या हम आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी बुजदिली पर हंसेंगे। हा? अगर एक दूसरे पर विश्वास ना हो तो प्यार किस काम का? अरे, ये तो अच्छा हुआ कि हॉस्टल के वार्डन ने हमें फोन कर दिया। अगर किसी और को फोन कर दिया होता तो जानती हो, इनके दिल के ब्लैक बोर्ड पर हमारा नाम मिट जाता और उसका नाम लिखा जाता, और फिर हम बैठे रहते, गाते रहते सैड सॉन्ग। आपकी नजरों में अपने प्यार की यही कीमत है? क्या करें, आजकल मॉडर्न जमाना है, लव अफेयर्स यू बदलते हैं जैसे किसी इंटरेस्टिंग नॉवल के पन्ने। अब आशा आ गई, चुटकियों में ठीक कर देंगे। डॉक्टर की दुकान तो सिर्फ इनके लिए शुरू की थी, वरना बड़ी आसानी से लॉन्ड्री खोल सकता था। शोभा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर और मरीज को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए। काफी समझदार है आप। जी हाँ, क्लासमेट किसकी हूँ। वैसे हम तो आम सुन के बता देते हैं कि खट्टा है या मीठा। आउट। नहीं नहीं, सीरियसली? या? जाना पड़ेगा। विजय भगवान के लिए मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। घबराओ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। त
मालूम नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आओ बैठो, अब मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना। पहले ये बताओ तुम्हें मुझ पर भरोसा? ये भी कोई पूछने की बात है? वेरी गुड, इसका मतलब करती हो, दैट्स नाइस। अच्छा ये तो बताओ सपनों में क्या क्या दिखाई देता? पागल आंटी, वो मेरे पास आती है, मेरा गला दबाती है और मैं चीख कर जाग उठती हूँ। रिलैक्स, आंखें बंद करो, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर लिम्स, योर बॉडी, गो डीप, डीप, डीप। बचपन की दुनिया में चली जाओ, तब से लेकर अब तक एक एक हादसा, एक एक घटना मुझे बताओ, कोई भी डिटेल मिस नहीं करना, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, मुझे सब कुछ बताओ, सब कुछ। यहां से 100 मील दूर हमारी हवेली है, हवेली तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से गुजरना पड़ता है। हमारी हवेली बहुत बड़ी है, नीचे बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ की हर चीज पुराने जमाने की है, ये पियानो, ये फानूस और ये घड़ी, जो इस हवेली जितनी ही पुरानी है। हॉल के बीचों बीच सीढ़ियां हैं, जो पहली मंजिल से होती हुई ऊपर एटिक की तरफ जाती हैं, जहां मेरी पागल आंटी रहा करती थी। पहली मंजिल पर कॉरिडोर के एक तरफ हमारे बेडरूम्स हैं। पहला मेरा है, और साथ वाला मेरी माँ का। बहुत दिन पहले यही मेरी बदकिस्मती की कहानी शुरू हुई। तूफानी रात थी, बिजली चमक रही थी, thank you.
आशा घबराओ नहीं, तुम बचपन की कहानी सुना रही थी, तुम बिल्कुल ठीक हो। यू आर परफेक्टली ऑल राइट, एब्सोल्युटली ऑल राइट। अच्छा ये तो बताओ आजकल कहाँ है तुम्हारी आंटी? उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया था जहाँ उसकी मौत हो गई। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी आंटी कब्र से उठकर तुम्हारा गला दबाती है? अरे तुम पढ़ी लिखी लड़की हो फिर भी भूत प्रेत को मानती हो? लेकिन विजय मैं देखो, तुम आंटी को अपने दिल से निकाल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं, बी ए ब्रेव गर्ल। विजय तुम मेरे पास होते हो तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो ठीक है, आज से हम हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे, आज से हमारा खाना पीना तुम्हारे जिम्मे, मंजूर? मंजूर। That's nice. डॉक्टर साहब, इलाज पूरा हो गया? ओ शोभा तुम, कम कम। अब तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई होगी ना? नेचुरली, जब डॉक्टर इतना यंग और हैंडसम हो तो आधा मर्ज तो ऐसे ही भाग जाता है। कभी कभी मर्ज के बजाय मरीज भी भाग जाता है। कम ऑन आशा, बाय बाय। ओके, रोल नंबर वन। यस मैडम। Roll number 2. Yes, madam. Roll number 3. Yes, madam. Roll number 4. Present, madam. Roll number 5. Roll number 6. Good morning, teacher. छोटी सी चीख से डर गई? तुम्हें तो आदत होगी इसकी। इसको क्या, मुसीबत तो हमारी है। तुम हॉस्टल छोड़ क्यों नहीं देती? Yes, then why don't you leave the hostel? हाँ जी, शहर में कॉलेजों की क्या कमी है? इतनी ही तंग है तो तू ही छोड़ देना हॉस्टल। ऐसी हालत रही तो यही करना पड़ेगा। अरे तो फिर सोच क्या रही है, अभी छोड़ दे, बुलाओ कुली को सामान के लिए। शोभा प्लीज। अरे इस तरह इसालियाँ और भी सर पे चढ़ जाएंगी। मेन स्विच तो ठीक ठाक है मगर इस एक्सटेंशन को बहुत तकलीफ हो रही है। एक्सटेंशन का शॉक लगा ना तो छूटना मुश्किल हो जाएगा। शोभा अरे छोड़ना, इनको तो बराबर का जॉब देना चाहिए। देख लेंगे इसको भी। हाँ हाँ, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। आप चाहती है आशा को हॉस्टल से निकाल दूं? वो बेचारी ना सिर्फ बीमार है बल्कि यतीम भी है। आप उसके लाइफ की ट्रेजेडी को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? कहां गई आपकी ममता? अजी रहने दीजिए ट्रेजेडी और ममता ममता को। इंसान पहले अपने घर की आग को बुझाता है फिर पड़ोसी के घर की। जूजी। हाँ, रातों में जाग जाग करके मेरी पिंकी का वजन 4 पाउंड कम हो गया है। अजी उसके चीखने चिल्लाने से नींद किसे आती होगी यहाँ? पिंकी की जगह अगर आशा आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? लो सुनो जी, ये हमसे पूछती है कि हम क्या करते। अजी हम उसे घर ले जाते या किसी पागल खाने में दाखिल करवा देते, और क्या करते? या तो ये लड़की यहाँ रहेगी या फिर हमारी बच्चियाँ। आप लोग हमारा मुँह क्या देख रहे हैं? ना जाने ये अपने आप को क्या समझती है। हम कमेटी से शिकायत करके इनको भी बाहर निकाल देंगे। हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने भेजते हैं, नहीं भेजते। क्या समझती है ये अपने आप को? मदर, आशा आज से तुम सपने नहीं देखोगी, अपने खातिर नहीं मेरी खातिर भी बोल। यस मदर। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी। पर कब तक जागती रहेगी? तू समझती नहीं शोभा, मैंने आंख बंद की तो वही सपने शुरू हो जाएंगे। उसी तरह मेरे मुंह से चीख निकलेगी, उसी तरह एक एक करके हॉस्टल के कमरों के दरवाजे खोलेंगे, उसी तरह मदर से सामना होगा। लेकिन ये कहां तक चलेगा आशा? काश आंटी सचमुच मेरा गला दबा देती, काश मैं मर सकती। आशा प्लीज। याद है आज ही तो डॉक्टर विजय ने कहा था कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुझे कुछ नहीं हुआ आशा। I'm sorry, शोभा। आशा चल अब सो जा। शोभा
शोभा। कहाँ जाना है? कैसे आई? अचानक मेरी आंख खुल गई तो देखा ये बेड पे नहीं थी, मैंने फौरन इसका पीछा किया। लेट्स टेक इन। मगर ये आधी रात को हॉस्टल से निकली क्यों?
बेचारी को वहम हो गया था कि इसकी वजह से मदर की पोजीशन खराब हो रही है। तुम डॉक्टर के पास जाना चाहती थी तो तुमने सुपरिंटेंडेंट को क्यों नहीं जगाया? सर, जैसे ही आशा वहां पहुंची, डॉक्टर विजय ने फोन करके मुझे एक्सप्लेन कर दिया था और फिर। मिस सुजा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप उन लड़कियों की हिमायत कर रही हैं जिन्होंने हॉस्टल का रूल तोड़ा है। जानती है इससे हमारे कॉलेज की कितनी बदनामी होती है? लेकिन सर, मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक मैं इन लड़कियों को कॉलेज और हॉस्टल दोनों जगहों से निकालता हूँ। लेकिन सर, शोभा का कोई कसूर नहीं, उसे क्यों निकाल? यू कैन गो। सर, मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सर, आशा दुनिया में बिल्कुल अकेली है, सिर्फ उसका दूर का कजन है, वो भी विदेश में रहता है, बेचारी पहले ही बीमार है। I'm sorry, मैं किसी पे तरस खाकर कॉलेज की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। इनके गार्डियन को खबर कर दीजिए। भाई, तुम्हारा कॉलेज और हॉस्टल कम से कम 25 किलोमीटर पीछे रह गए। भूल जाओ उसे, फॉरगेट इट। मैं से बहुत अच्छा हुआ हॉस्टल छूट गया। रियली, मैं तो वहाँ की लड़कियों से बोर हो गई थी। पढ़ाई से ज्यादा स्माइल और हेयर स्टाइल की फिक्र। और फिर हम प्रिंसिपल के खिलाफ अपील भी तो कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी का वो चैप्टर क्लोज हो गया है। आशा, ये दुनिया भी एक यूनिवर्सिटी की तरह है जहाँ ऊपर वाला हर रोज एक नया पेपर सेट करता और जनता के हाथ में दे देता। जवाब देते जाओ, जिंदगी बीतती जाए। राइट। आशा, इंसान को वक्त की तरह होना चाहिए। वक्त जो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता, हमेशा आगे की तरफ चलता है। अरे, जिंदगी तो एक इंद्रधनुष की तरह है। राइट। जिसमें अनगिनत रंग है, एक से एक बढ़कर एक से खूबसूरत। तो क्यों ना इस जीवन को इंद्रधनुष की तरह रंगीन बना दिया जाए। आशा, सच्चा इंसान वही है जो जीना जानता है। देखो इधर देखो, है मेरे हम सफर, जीवन के सफर में पीछे मुड़ के क्या देखना। देखो इधर देखो, है मेरे हम सफर, जीवन के सफर में पीछे मुड़ के क्या देखना। मौसम बदल गया, चलो आने वाली बहारों में बसो। देखो इधर देखो, ए मेरे हम सफर, जीवन के सफर में पीछे मुड़ के क्या
देखो इधर देखो है मेरे हम सफर जीवन के सफर में मुझे क्या देखना देखो इधर देखो है मेरे हम सफर जीवन के सफर में पीछे मुड़के क्या देखना गौरी, ओ गौरी, क्या है बापू? मुर्गियों को दाना डाल दिया? हाँ बापू। घोड़ों को पानी भी पिला दिया? हाँ हाँ पिला दिया। सारे कमरे साफ कर दिए? हाँ हाँ कर दिए। चिल्लाती क्यों है इतना? हर सुबह उठकर कमरे साफ करो, हफ्ते में एक दिन कर दें तो क्या होता है? बेटिया, छोटी मेम साहब पहली बार आ रही है, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम मुफ्त की खाते हैं। बापू, क्या ऐसा नहीं हो सकता छोटी मेम साहब यहाँ आए ही नहीं, उन्हें कुछ हो जाए? चुप, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? इस बिल्ली को छोड़। नहीं, 24 घंटे इसे पास रखेगी तो काम कैसे होगा? ये पास होती है ना तो काम जल्दी होता है। क्यों री? उतार। नहीं उतारूंगी। मैं कहता हूँ उतार। नहीं बापू, नहीं। उतार, जब जब देखो बिल्ली को लिए बैठे। बापू, छोटी मेम साहब। आओ शोभा। शुक्र है तेरा मूड तो चेंज हुआ। कैसी हो बिटिया रानी? अच्छी हूँ। ये गौरी है ना? हाँ हाँ वही है। इतनी बड़ी हो गई अकल अभी तक नहीं आई। देखो ना, 24 घंटे बिल्ली से खेलती रहती। ये तो शुक्र करो बिल्ली से खेलती, वरना इस उम्र की लड़कियाँ तो शेर और भालू की उंगलियाँ पकड़ कर चलती है। विश्वनाथ काका, ये डॉक्टर विजय है और ये मेरी सहेली शोभा, ये लोग कुछ दिन यही रहेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है बिटिया रानी। अच्छा है, इस हवेली का सूनापन थोड़े दिनों के लिए दूर हो जाएगा। आप लोग चलिए, मैं सामान निकालता हूँ। आओ गोरी। हवेली है, किसी राजा का महल भी इतना खूबसूरत नहीं हो सकता। पसंद आई? पसंद? अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन हो तो कब का दवाखाना बंद कर देता और तुमसे शादी कर लेता और यही बर्बाद हो जाता। तो अब भी क्या बिगड़ा है? आशा बूढ़ी कौन सी हो गई है? कितने कमरे होंगे यहाँ? उस अटिक समेत 13। छोड़ो ना बापू। कंबक फिर गले चला दी, फेंक दे, ला मुझे दे। नहीं, तू मुझे नौकरी से निकलवा के रह। अच्छा, वैसे भी मुझे इस भूतिया महल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। जबान चलाती है। ए, तेरे बाप के खीसे में बहुत पैसे हैं ना, जो तुझे नया घर खरीद के देगा। आज ही मेम साहब आई और आज ही तूने कांच तोड़ दिया। ये सिर्फ गौरी और उसकी गुलेल की करामात है, इसमें आंटी का कोई हाथ नहीं। यू मस्ट थैंक गौरी। क्यों, दो दिलों की धड़कने जो मिला दी। अब क्या हुआ? गेस्ट रूम नीचे है। बाबूजी, आपका सामान अंदर रख दिया है। और हाँ, वो गुलेल? वो तो बापू ने छीन ली। गनीमत है, वरना इस हवेली के सारे कांच टूट जाते। Thank you.
आशा 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 क्या हुआ? गौरी, तुम्हें तो कितनी बार कहा है इस कमरे मत आया करो, चल। पियानो तुम बजा रही थी? जी। पियानो तुम बजा रही थी? जी। गाना भी तुम गा रही थी? क्यों? बापू ने कहा था थोड़ी सी संगीत विद्या सीख लो, शायद अच्छा वर मिल जाए। चल संगीत की सुनो, संगीत विद्या सीखनी हो तो दिन में आया करो यहाँ, रात में नहीं। चल संगीत सीखती है बड़ा, संगीत की बच्ची, चल सिखाता हूँ तुझे संगीत। देखा तुमने, गौरी जी पियानो भी बजा रही थी और गाना भी गा रही थी, तुम खामखा डर गई। कम ऑन लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग घूमने जा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो, चिट्ठी उट्टी लिखते रहना, तू भी आना। इसे कहाँ ले जा रही हो? सैर करने के लिए दो ही जने अच्छे होते हैं, तीसरा साथ हो तो ऐसा लगता है जुलूस जा रहा है। बच गए। डॉक्टर, तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम भी साथ चलो तो मजा आ जाएगा। ना बाबा ना, मुझे राइडिंग वाइडिंग नहीं आती, खामखा हड्डी पसली टूट जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। गौरी की बच्ची मालकन की नकल उतारती। चल मैं तो चल भाग जा बापू, भाग जा, नहीं देखूंगी। घोड़ा पानी में से ले जा सकती हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पहली बार घोड़े पर बैठी हूँ। अजी मेरा मतलब वो नहीं था। डॉक्टर, अगर मैं डूबने लगूं, तो बचा सकोगे? अजी हम तो खुद ही डूबे हुए हैं। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी आंखों की गहराई में। जानती हो तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, ये सागर से भी गहरी हैं। जब से इनमें डूबा हूँ, डूबता ही चला जा रहा हूँ। जितना ज्यादा डूबता हूँ उतनी जीने की तमन्ना और बढ़ती है। ऐसी है तुम्हारी आंखों की गहराई। हम तो ऊपर वाले से एक ही चीज मांगते हैं कि जब जब जन्म ले तब तब इन आंखों की गहराई में डूबते रहे। और हमें आशा है। आशा, यूं ही चुपचाप सुनती रहोगी या? Thank you.
इतनी दूर चल के तुम क्या जानो तुम्हारे पास आए हम कितनी दूर चल के देता मैं तो थोड़ी देर जो तुम ना और मिलते ओ संग मेरे निकले थे साधन और बैठे थोड़ी ही दूर चल के चाहता है इसी तरह पास बैठे रहें और जिंदगी गुजर जाए। मजनू ने भी यही तमन्ना की थी, दीवाना हो गया था बेचारा, लोगों ने पत्थरों से मारा उसे। तुम जिंदगी को मजनू के आंख के बजाय लैला के आंख से क्यों नहीं देखते? तुम्हारा मतलब है मैं भी ये क्यों नहीं कह देता कि प्यार का दूसरा नाम जुनून है, दीवानगी है? वो तो है। देखो भाई, वो पहले जमाने में होता होगा, आज जमाना मॉडर्न हो गया, बदल गया। जब तक प्यार में जुदाई ना हो, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती। समझ गई, वापस भागना चाहते हो? नहीं नहीं, सिर्फ 8 ही दिन की तो बात है हजूर। कैसे गुजरेंगे ये 8 दिन? इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है। करोगी? बोलो। पहले 2 दिन बैठकर ये सोचना कि शादी के लिए सबसे बेस्ट मौसम कौन सा है, विंटर, समर, स्प्रिंग या ऑटम। उसके अगले 2 दिन ये सोचना कि हनीमून के लिए सबसे फैंटास्टिक जगह कौन सी है, और बाकी के रह गए 4 दिन बैठ के ये सोचना कि पहले हमारे होने वाले 2 बच्चों का नाम हम क्या रखें। शट अप।
बचपन से लड़कियां ऐसी बातें सोचती हैं। वो लड़कियां बेवकूफ होती हैं। इसमें क्या शक है? अच्छा एक वादा करो। क्या? हर रोज मुझे एक चिट्ठी लिखोगे। चिट्ठी? अरे हमने सोचा कोई पप्पी वप्पी की बात होगी। लिखेंगे चिट्ठी। इतनी लंबी चिट्ठी किसे लिख रही हो? अपनी बड़ी बहन को। बहनों में ऐसी क्या खास बात हो सकती है? देख यार, तेरी तरह अपना कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं। ले देखिए एक बहन है, उसे सुख दुख नहीं लिखूंगी तो और किसे लिखूंगी? अरे ये क्या है, किसी तहखाने की चाबी है क्या? तहखाने की नहीं, खजाने की। कहाँ? अरे यहाँ ना। अरे आओ। लवली, कैसी लगती हूँ? कैसी? अरे यू लुक फैंटास्टिक। ये क्या इतने जेवर? मेरी माँ के हैं, तुम्हें दिखाना चाहती थी। गौरी जी, तुझसे कितनी बार कहा कि पहले दरवाजा खटखटाया कर फिर अंदर आया कर। गलती हो गई। क्या देख रही है? जी कुछ नहीं, खाना लगा दिया है। कैसी जोर से बिजली चमक रही है। आशा, आई थिंक तू ब्लैक प्लेन नेकलेस के साथ अगर नेकलेस पहनेगी ना बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तीन थालियां भूल गए? डॉक्टर विजय चले गए हैं। आदत सी पड़ गई है। शुरू में कभी तीन थालियां लगा करती थी, एक आपकी, एक मांझी की और एक आपकी आंटी की। तुमने कितनी बार कहा है आंटी का नाम मत लिया करो मेरे सामने। भूल हो गई आशा, छोटी छोटी बातों का ख्याल मत किया करो, बेचारा आदत से मजबूर है। चलो खाना खा लो। तू भी क्या आशा, इतनी बड़ी हवेली है, इतनी सारी खिड़कियां दरवाजे हैं, कोई ना कोई तो खड़केगा ही। मैं खड़कता है कि तू डरने लगती है। अरे इतने पर्दे भी तो हैं, जरा हवा चलती है कि सबके सब सब फड़फड़ाने लगते हैं, हिलने लगते हैं। टेलीफोन। हेलो जी, नहीं रॉन्ग नंबर। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी नहीं। कौन है?
हुआ बिटिया, क्या हुआ है? क्या हुआ आशा, क्या हुआ बोल ना, क्या हुआ बोल तो। वो कौन? एक औरत, अजीब सा भयानक चेहरा। तूने फिर सपना देखा होगा? नहीं, सपनों में आंटी आती है, ये आंटी नहीं थी। प्लीज डॉक्टर विजय को बुलाओ, प्लीज डॉक्टर विजय को बुलाओ। मैं अभी फोन करता हूँ। डॉक्टर विजय को बुलाओ। Anything wrong? Anything kya, everything is wrong. जिस बेवकूफ को गाड़ी के इंजन के बारे में ना मालूम हो, उसे तो सिर्फ घोड़ा गाड़ी चलानी चाहिए। उसके लिए भी घोड़ों की आदतें जाननी पड़ेंगी, वरना लात खाने का डर रहता है। You are right. ये 30 घोड़ों के इंजन का कौन सा घोड़ा लात मार रहा पता ही नहीं चलता। By the way, ये गाड़ी 30 की नहीं 28 हॉर्स पावर की है। अजी माना की 28 हॉर्स पावर की गाड़ी, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि यहाँ पर हम इंजन में हाथ काले कर रहे हैं और वहाँ आप एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अरे आइए हमारी मदद कीजिए। करनी ही पड़ेगी साहब, कहते हैं शहर के डॉक्टर और कलेक्टर से बना के रखनी चाहिए। डॉक्टर? यानी कि हम पहले मिल चुके हैं? जी नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात? ना माथे पर बोर्ड ना गाड़ी पर, ये कैसे जान लिया कि हम डॉक्टर हैं? मरीज की कलाइयों पर टिकने वाली उंगलियों की नजाकत दूर से ही नजर आ जाती है। वैसी लीजिए, आपकी गाड़ी तैयार है। अरे कमाल है, कमाल तो हमने अभी दिखाया नहीं डॉक्टर विजय। विजय यानी कि नाम भी जान लिया? जी हाँ, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसका नाम ए से शुरू होता है। अरे इनको तो किसी मंदिर में जोशी होना चाहिए था। बाय बाय। हजूर अपनी तारीफ तो कराते जाइए। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। अजी तारीफ तो आपकी जिन्होंने हमारी गाड़ी बना दी। इज अ वेरी गुड मैन। नमस्ते डॉक्टर बाबू। फिर गुलेल? हवा को पत्थर मार रही थी, शायद चल पड़े। बड़ी गर्मी हो रही है। मुझे लगता है कि तेरे दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। लेकिन तबीयत तो दीदी की खराब है। क्या हुआ उसे? कल रात वो बड़ा भूत फिर से आया था। इस हवेली में एक औरत का भूत रहता है, लंबे बाल, मुड़े हुए नाखून, सफेद कपड़े। गाड़ी। बापू। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। कैसी है तबीयत आशा की? अब आप आए हैं तो चल कर देख लीजिए। अच्छा हुआ तुम आ गए, कल रात आशा बहुत डर गई थी। अब कुछ दिन तुम उसके पास ही रहना। इस बार तो हम मरीजों को बोल कर आए हैं। अचानक क्या हुआ? कहती है उसने एक ऐसी औरत देखी जिसका चेहरा बहुत भयानक था। आंटी नहीं थी? नहीं आंटी नहीं थी, किसी अजनबी औरत का अनजाना चेहरा। टचवुड, बहुत ही अच्छी लग रही हो। अच्छी लगूं या बुरी, तुम्हें क्या? हाँ जी हमें क्या, हम तो आपके दुश्मन हैं ना। दुश्मन न होते तो यूं छोड़ के जाते। जानते हो कल रात को एक अजीब सी औरत आई थी, भयानक सी शक्ल, गाल पर एक लंबा निशान। वो ओह वंडरफुल वंडरफुल, नाम पता कुछ बताओ उसने। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पहले आंटी आती थी, अब एक नई औरत आई। आंटी गाना बंद हुआ, इसका गाना भी बंद हो जाएगा। दरअसल ये दोनों तुम्हारी कल्पना का धोखा है। विजय भगवान के लिए मेरी बात का विश्वास करो प्लीज। कर लिया, अब मैं तुम्हारे पास हूँ, देखता हूँ कौन आता। अरे जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना तो रास्ते में एक अजीब कैरेक्टर से मुलाकात होगी। अजीब? कौन था वो? धार से आया तो डायलॉग बोले और चल दिया। अरे जान ना पहचान, उसने तो पूरा हुलिया बता दिया मेरा। जरूर तुम्हें जानता होगा। बिलीव मी, मैंने उसे पहली बार देखा, तारीफ पूछी तो कहने लगा तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। लेकिन आप लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पहले ही बता चुके हैं कि इन्होंने आपको कैसे बेवकूफ बनाया। ओहो। बाय द वे, ये हैं आशा के कजन मिस्टर अशोक और आप हैं आशा के डॉक्टर मिस्टर विजय। वेरी ग्लैड टू मीट यू वंस अगेन। अब हमें भी बता दीजिए कैसे बेवकूफ बना। यानी कि वो रिकॉर्ड मुझे फिर से चलाना पड़ेगा। सर्टेनली भाई, जैसे ही कॉलेज वालों की केबल मिली मैं फर्स्ट फ्लाइट से हिंदुस्तान चला आया।
उसके बाद हॉस्टल गया, वहाँ मदर ने सब कुछ बता दिया। और उसके बाद जोशी का ढोंग रचा कर आपने हमें बेवकूफ बनाया और हम बन गए, मान गए उस्ताद। मान तो हम आपको गए हैं। कैसे? बाहर आइए, बताता हूँ। एक्सक्यूज मी गर्ल्स। अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है, एक था उसे तूने फांस लिया, दूसरा आया वो भी शादी कराने के बाद। लगता है अपना पपलू कभी फिट ही नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो पागलपन एक खानदानी बीमारी होती है, बट वी आर लकी, आशा के केस में ऐसा नहीं, उसे सिर्फ एक वहम है, डर है। डर? डर किस बात का? माँ की मौत का मंजर अभी तक उसके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। कई बार ऐसे होता है जब इंसान सो जाता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जाग उठता है और उसी चीज के अजीब अजीब सपने देखने लगता है। आई सी। अगर आप कहें तो आशा को किसी फॉरेन स्पेशलिस्ट? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उसे थरली चेकअप कर चुका हूँ और कुछ स्पेशलिस्ट की राय भी ली है, सबका यही कहना है कि उसे कुछ नहीं हुआ। और एक और अच्छा चेंज आया है, वो डॉक्टर, मुझे एक बात की खुशी है, आशा की जितनी चिंता हमें है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें है। आई मीन शी इज इन सेफ हैंड्स। हाँ जी, शेर अर्ज है, सुनिए। आई हुई आशिक की तबीयत नहीं जाती, आती है तो आकर ये कयामत नहीं जाती। सर जाता है सर से तेरा सौदा नहीं जाता, दिल जाता है दिल से तेरी उल्फत नहीं जाती। हम चाह के पछताए हैं उस पर्दा नशी को, आंखों से किसी वक्त वो सूरत। कारी, पता नहीं तुझे कब अकल आएगी। हाँ, आपने दरवाजा खोला और मैं गिर गई, छोटी मैम साहब के लिए। हाँ मालूम है कि पानी का जग लेकर आ रही थी, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? गलती हो गई बाबूजी। संभाल के उठाना, कहीं कांच हाथ में न लग जाए। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं, कौरी के हाथ से जग गिर गया, आशा डर गई। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट आशा। और सुनो, सोने से पहले अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। आशा,
कुछ नहीं, आपने विश्वनाथ काका चाय लाए। परफेक्टली ऑल राइट, कोई खास बात नहीं है। ये क्या सर? इट्स अ सिंपल केस ऑफ हेलुसिनेशन। इन्हें मुकम्मल आराम और अच्छी नींद की जरूरत है। हाँ, जहां तक हो सके ना अकेला नहीं छोड़ना और इनके दिमाग को किसी ना किसी चीज में लगाए रखना। आई थिंक शी विल बी ऑल राइट विद इन फ्यू डेज। थैंक यू सर। अच्छा, डू यू नो डॉक्टर देसाई कितने बड़े डॉक्टर हैं? छह छह महीने तक लोगों को उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। उन्होंने कह दिया तुम बिल्कुल ठीक हो, यू आर एब्सोल्युटली ऑलराइट। अशोक बिल्कुल ठीक कह रहा है। डॉक्टर देसाई हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइकाइट्रिस्ट हैं, उनकी राय कभी गलत नहीं हो सकती। आई सेड दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, पार्टी होनी चाहिए। होनी चाहिए, हो रही है, और वो भी जबरदस्त पार्टी अशोक दे रहे हैं। पार्टी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है, तुम्हें हो ना हो हमें तो है। डबल ओकेजन, तुम्हारी सहतियाबी और बर्थडे। बर्थडे? मैं तो भूल ही गई थी। अरे मगर हम सब कैसे भूल सकते हैं? जानती हो पार्टी में कौन आ रहा है? कौन? मिसेस अशोक, यानी कि मेरी धर्म पत्नी। हाउ नाइस ऑफ हर, पहली बार देखूंगी उनको। यानी कि आशा का बर्थडे डबल नहीं, ट्रिपल ओकेशन। चीयर्स। चीयर्स। हंस के जो गुजार दे, जीना है उसी का। छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का, हंस के जो गुजार दे, जीना है उसी का। हम को करते हैं दूर ही से सलाम, और जिंदा दिल वाले रखते हैं दिल से काम, हम को करते हैं दूर ही से सलाम। दिल से हम हैं, हमसे है जिंदगी। छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का, हंस के जो गुजार दे, जीना है उसी का। ला ला ला। We'll be right back.
तक जीवन की शाम हंसती रहे और ये जुल्फों की रुख महकती रहे और जब तक जीवन की शाम हंसती रहे और ये जुल्फों की रुख महकती रहे साज दिल पे गाए जा धुन यही छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का हंस के जो गुजार दे जीना है उसी का और आशा तुमने ये क्या किया? She is my wife, ये मेरी बीवी है। I am sorry, she is dead. Are you sure, doctor? Yes. Inspector Sharma speaking. Well done, my dear, well done. Kamal kar diya tumne, darling. You are great. Ab iski koi zarurat nahi. ये अदालत मुलजिमा आशा की बीमारी को देखते हुए इस केस को उस वक्त तक मुलतवी करती है जब तक मुलजिमा पूरी तरह तंदुरुस्त होकर अदालत के सामने बयान देने के काबिल ना हो जाए और अदालत
मुलजिमा के रिश्तेदार और वाहिद वारिश अशोक वर्मा को इस बात की इजाजत देती है कि वो मुलजिमा की जायदाद की देखभाल अपनी मर्जी के मुताबिक करे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना मैं बीमार हूँ ना पागल। वो वही औरत थी जिसके मुंह पर लंबा निशान था, जो हर रोज मुझे आकर डराती थी। लेकिन आशा, ये कैसे हो सकता है? अशोक की पत्नी उसी दिन हिंदुस्तान आई जिस दिन ये सब कुछ, मेरा मतलब है जब वो हिंदुस्तान में थी नहीं, वो तुम्हें कैसे डरा सकती थी? विजय, मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कहती हूँ। जब मेम्ब्रेंस में जा रही थी उस वक्त भी वो मेरे तरफ देख कर मुस्कुरा रही थी। आशा, उस वक्त वो मर चुकी थी। नहीं। हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आती आशा, कुछ समझ आशा, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें परेशान होने की बात नहीं, मेरी बात का। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, इंस्पेक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आई सी यू लेटर। कैसी तबीयत है? उसने अभी तक यही रट लगा रखी है कि ये वही लड़की थी जो छुप के आती थी, उसे डराती थी और गायब हो जाती थी। इंस्पेक्टर, डू यू थिंक ये मुमकिन है? आई डोंट थिंक सो। इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले मिसेज अशोक किसी दूसरे नाम से यहाँ आई हो और पार्टी के दिन दूसरी कोई औरत उसके नाम से, आई मीन दूसरे की टिकट पर? इम्पॉसिबल डॉक, हमने सब पैसेंजर से अच्छी तरह पूछा, उनको मकतूला की तस्वीर दिखाई, एयर होस्टेसेस, पैसेंजर्स, सभी ने उसे पहचाना कि वही औरत प्लेन में आई थी। इंस्पेक्टर, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ? आशा को चोरी छुपे डराने और उसके हाथों तुम्हारी पत्नी का खून कराने की बस यही कीमत है? कम है तो और दे सकता हूं मेरी जान। खुश? इससे दिल की प्यास कहां बुझेगी। तो ये लो चाबियां, ज्वेलरी, करेंसी नोट, जो चाहे ले लो, मैं जिस पर कुर्बान होता हूँ पूरी तरह होता हूँ। और मैं भी जिस पर कुर्बान होती हूँ पूरी तरह होती हूँ। प्यार के सामने इसकी क्या कीमत है? प्यार? कैसा प्यार? तुम अच्छी तरह जानते हो अशोक कि मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर, पैसे या ज्वेलरी की खातिर नहीं। तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। और तुम भी मुझे समझने में गलती कर रही हो। ऐसा मत कहो अशोक, प्लीज। तुम्हारे प्यार ने मुझे दीवाना बना दिया और इसी दीवानगी में तुमने जो कुछ कहा मैंने किया। अगर तुम ये समझते हो कि तुम जैसी लड़की के दामन से मैं बन जाऊंगा तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। उठाओ ये नोट्स और चलती बनो। अगर न जाऊं तो? मैं इनकार सुनने का आदि नहीं। तो ठीक है, मैं पुलिस में जाके कह देती हूँ कि अशोक ने मुझसे अपनी बीवी का खून करवाया और बेचारी आशा को उसमें फंसा दिया ताकि बीवी और आशा दोनों की जायदाद हजम कर सके। इट्स ओके डार्लिंग, यहाँ नहीं तो जेल में साथ साथ रह लेंगे, मतलब तो महबूब के करीब रहने से है, है ना? कितनी भोली हो तुम शोभा, मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हारे प्यार में कितनी गहराई है। मैं खुद तुम्हारे बगैर कहाँ रह सकता हूँ। तुम समझते हो सिर्फ आशा की जायदाद की वजह से मैंने अपनी बीवी को रास्ते से हटाया? नहीं डार्लिंग, तुम्हारे प्यार की खातिर, सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। सच अशोक? अशोक, अशोक। वही तन्हाई, फिर वही रात, आओ ना, फिर वही रात आई जान जा, फिर चली है दिल में आंधियां, फिर वही रात आई जान जा, फिर चली है दिल में आंधियां, आ रे गुप चुप, चुप।
तुम्हारे पास ही आ रहा था। अब कैसी तबीयत है आशा की? अब ठीक है, लेकिन उसे मिलने की इजाजत नहीं किसी को। अशोक, जो ट्रेजेडी तुम्हारे साथ हुई है उसका मुझे अफसोस है। ऐसा लग रहा है जैसे उस बिचारी की मौत उसे कनाडा से यहाँ खींच लाई। यह सब तकदीर का खेल है डॉक्टर। उसे खो दिया, अब आशा को नहीं खोना चाहता। आई थिंक आशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर, तुम नहीं जानते कि वो मुझे कितनी प्यारी है। अशोक, हेलो विजय, मैं अभी आई। इन लड़कियों का भी जवाब नहीं, साथ ले जाओ तो मुश्किल, साथ ना ले जाओ तो मुश्किल। जितनी देर इनको तैयार होने में लगती है। अच्छा मैं चलता हूँ। लेकिन आए किससे थे? हमदर्दी जताने। थैंक यू डॉक्टर, जिस तरह भी हो आशा को बचा लो। हाँ मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं किसी तरह भी आशा को बचा लूं। बाय बाय अशोक। बेवकूफ लड़की, आशा के जेवर पहनने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या मालूम था कि डॉक्टर आ जाएगा? तुम समझती हो दुनिया में सिर्फ एक डॉक्टर है जिसे हमें डरने की जरूरत है? तुम्हारी ये हरकतें हम दोनों की गर्दनें कटवा के रहेगी। चिल्लाओ मत, तुम क्या समझते हो तुम्हारे चिल्लाने से मैं डर जाऊंगी? शराब, आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी गर्दन जितनी तुम्हारे हाथ में है उतनी ही तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है। मेरी गर्दन इतनी छोटी नहीं जो बच्चों के हाथ में आ जाए। अगर शोभा ने मेरी जेवर पहने भी थे तो उसमें क्या बुराई है? विजय, मैं उसे अपनी बहन से भी ज्यादा चाहती हूँ, उसे छोटी छोटी चीजों के लिए पूछने की जरूरत नहीं। मगर आशा, पता नहीं मुझे उसका रवैया कुछ गलत लगा। तुम तो खामखा शक कर रहे हो उस बेचारी पर। यू आर राइट, मैं तो खामखा शक कर रहा था उस बेचारी पर। कहाँ जा रही हो? घबराओ मत, मेरे बदन पे आशा का कोई जेवर नहीं जिससे तुम पकड़े जाओ। Oh!
ऐसे देख रहे हो जैसे कब्र में से कोई लाश उठ के सामने आ गई हो। तुम तो पोस्ट ऑफिस गई थी ना? नहीं, बारिश हो रही थी इसलिए गौरी को मैंने अपना रेनकोट देकर उसे लेटर पोस्ट करने भेज दिया। पुलिस? दरोगा जी, इस वक्त क्या बात है? कोई खास बात है क्या? आपकी बेटी का नाम गौरी है? जी हाँ, उसने कुछ शरारत की है? कभी कभी वो बच्चों जैसी हरकत कर बैठती है। नहीं विश्वनाथ काका, मुझे अफसोस है किसी ने इस बेचारी का खून कर दिया। क्या हुआ विश्वनाथ? बाबूजी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। किसी ने सही ने मेरे गौरी का खून कर दिया। गौरी का खून? माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? कातिल पकड़ा गया कि नहीं इंस्पेक्टर? जी नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ विश्वनाथ, मासूम गौरी के कातिल को सजा दिलाने में मैं दिन रात एक कर दूंगा। बाबा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं अटैक हूँ? श्योर, कायदा कानून तो पूरा करना ही पड़ता है। आई जाओ विश्वनाथ। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट। चलो। तो तुमने मेरे धोखे में गौरी को मार दिया? ये सब झूठ है, गलत है। मैं सब कुछ समझ गई हूँ अशोक, तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ। तुमने मेरा पीछा किया, धुंध की वजह से तुम्हें सिर्फ मेरा रेनकोट नजर आया, मेरी सूरत नहीं। मैंने धोखे से नहीं, जानबूझकर गौरी को मारा है। उसकी जरूरत से ज्यादा होशियारी उसका छुप छुप कर हमारा पीछा करना, हमारा राज जान लेने की कोशिश करना, यही सब उसके मौत का कारण बन गए। क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन तुमने ये सब क्यों किया अशोक? क्यों, आखिर किस लिए? तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारी मोहब्बत में आकर मैंने अपनी उस सहेली को धोखा दिया जिसने मुझे बहन का प्यार दिया। तुम्हारी वजह से मैं उसकी बर्बादी का कारण बनी और अब तुम मुझसे ही पीछा छुड़ा रहे हो, मुझसे अशोक, मुझे अपने रास्ते का कांटा समझते हो? नहीं अशोक, 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 मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए अशोक, तुम्हारा प्यार। अपनी गर्दन बचाने के लिए मैं दो चार खून और कर सकता हूँ। तो फिर करते क्यों नहीं? मगर इतना याद रखना कि अब अगर चाहोगे तब भी नहीं कर सकते। इधर मेरी मौत हुई, उधर पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, क्योंकि मैंने सारी हकीकत एक लिफाफे में बंद करके अपनी बहन के पास भेज दी है। एंड माइंड यू, ये भी लिखा है कि अगर किसी दिन अचानक मेरी मौत हो जाए तो उस लिफाफे को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। फेयर इनफ। पोस्टमैन। पोस्टमैन जा रहे हैं, पोस्टमैन जा रहे हैं। मनी ऑर्डर है। और चिट्ठी भी साथ में है। अच्छा। इतनी
डूम्बी ने ला बांबा को डेढ़ लेंथ से मारा था। लगता है इस घोड़े का सिलसिला जरूर पिलपिली साहब के खानदान से जुड़ा हुआ है। सुना डैडी? धत तेरी की, अबे बड़ी मुश्किल से जैकपॉट की तीसरी रेस का घोड़ा निकाला साहब, तूने सिलसिले का सिलसिला ही तोड़ दिया। डैडी घबराओ नहीं, बड़ा होकर जब मैं जॉकी बनूंगा तो मेरे घोड़े पर माल लगाना। मेरे घोड़े पर माल लगाना? अबे जोकी की औलाद, तब तक तो मैं हार हार के छिपकली बन चुका हूँगा। बोल मेरे बाप, क्या सेवा करूँ? सेवा तो मैं करने आया हूँ, मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर कहाँ है? मम्मी के पास। क्या बात, यही फायदा होता है ज्यादा औलाद का, न जाने कब कौन सा खोटा पैसा कहाँ काम आ जाए। अरे भाग्यवान, काहे को झूठ बोलती हो? इतनी मोटी कमर इन बच्चों से क्या टूटेगी? काहे को बच्चों को मारती हो? हाँ हाँ, तू भी आ जा, तेरा भी शौक पूरा कर देती हूँ। कर दो, तुम मुझे मारोगी? जी नहीं, तुम तो गणेश हो, तुम्हारी पूजा करूँगी। जी गणेश। नीचे उतर, मैं तेरी चटनी बनाती हूँ। चटनी? अरे तू औरत है के मिक्सर है? अरे इस गीदड़ ने मेरी हिम्मत उतार नीचे। मम्मी तुमको गीदड़ बोलती है? अबे यहाँ गीदड़ तो हूँ, नीचे उतरूंगा तो कॉकरोच बना देगी। अरे तुम मर्दों का नाम खराब कर रहे हैं, तुम बोलते क्यों नहीं? अबे इमरजेंसी में कौन बोलेगा? नहीं छोड़ूंगा रेफरी की बेइज्जती देख लेना, ना आज इससे रोटी मिलेगी ना इसके चमचों को। डैडी मैदान साफ है। मैदान साफ है? अरे अब तो सौ खून माफ है। शाबाश मेरे नन्हे साथियों, शाबाश। डैडी डैडी मम्मी बोलती थी हमें खाने को नहीं देगी। अरे कैसे नहीं देगी, जनता भूखी मरती है तो गदर आ जाता है, क्या समझती है अपने आप को? आहिस्ता बोलो, कहीं दुश्मन ने सुन लिया तो होशियार हो जाएगा। अभी तो चाबी निकालनी है। चाबी तो मेरे पास है। अरे भा मेरे नन्हे कारीगर, तू जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। अगर मेरी जैकपॉट लग गई ना तो चार आने हिस्सा तुझे दूंगा और उन सारे मम्मी के चमचों को एक पैसा नहीं दूंगा। मनी ऑर्डर तिजोरी घर, मनी ऑर्डर। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप गौरी के खून को एक मामूली केस क्यों समझ रहे हैं? ये जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि उसके पीछे क्या राज छुपा है? डॉक्टर, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उस कोशिश का क्या नतीजा निकला? अभी तक आपके पास सबूत नहीं, अभी तक कातिल आजाद घूम रहा है। आप एक बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि गौरी उस हवेली की नौकरानी थी जहां पर मिसेज अशोक का खून हुआ? यह खून क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, ये अभी तक पता नहीं चला। लेकिन मिसेज अशोक का खून तो आशा के हाथ से हुआ है। नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ है। आशा को फंसाया क्या है? किसी होशियार आदमी ने उसकी दिमागी परेशानी का फायदा उठाया, वरना आशा को मिसेज अशोक की मौत से क्या फायदा हो सकता था? वो उसका खून क्यों करती, किस लिए करती? इंस्पेक्टर, कोई भी मर्डर मोटिव के बगैर नहीं हो सकता। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर मुझे समझने की कोशिश करो, हो सकता है गौरी ने कोई ऐसी चीज देख ली हो या जान ली हो जिससे मिसेज अशोक के कातिल को पकड़ने में मदद मिलती हो और उस कातिल ने उसे रास्ते से हटा दिया हो, वरना उस बेचारी को किसी से क्या दुश्मनी हो सकती। एक्सक्यूज मी सर, इस छड़ी पे किसी भी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। हमारे एक्सपर्ट का ख्याल है कि खूनी ने जरूर दस्ताने पहन रखे होंगे। इंस्पेक्टर, ये छड़ी जहां गौरी का खून हुआ वहां से मिली। आपका मतलब किसी से गौरी का खून हुआ था? हाँ, इस पर खून के धब्बे मौजूद थे और डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर पर कोई भारी चीज मारी गई और इस जोर से मारी गई कि उसकी फौरन मौत हो गई। अगर खून इसी से हुआ है तो मैं खूनी को जानता हूं। कौन है? अशोक।
आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये छड़ी मैंने कई बार उसके पास देखी। रंगीम आप बुलाइए उसे। Good afternoon, Inspector. Good afternoon, Mr. Ashok. Hari, कमाल है, बिल्कुल मेरी छड़ी जैसी। ये दूसरी छड़ी। गाड़ी का खून, इसी से हुआ। What? You mean to say अगर कहीं मेरी छड़ी गुम हो जाती, तो शायद मैं इस खून में धर लिया जाता? Inspector, इसका मतलब है कोई मुझे फंसाना चाहता है, मेरे खिलाफ गलत सबूत पैदा करना चाहता है। आप पूरी पुलिस फोर्स इस कातिल को पकड़ने में लगा दीजिए। मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम मुकर्रर करता हूँ। आप इत्मीनान रखिए मिस्टर अशोक, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सिर्फ इस छड़ी को पहचानने के लिए आपको तकलीफ दी थी। तकलीफ किस बात की इंस्पेक्टर? आपका काम है शक करना और हमारा दूर करना। आधी रात को भी जरूरत पड़े तो फोन कर दीजिएगा। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। गुड बाय। गुड बाय इंस्पेक्टर। बाय बाय। बाय द वे, इन दोनों छड़ियों में से मेरी छड़ी कौन सी है? ये वाली। आर यू श्योर इंस्पेक्टर? जी, पुलिस की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती मिस्टर अशोक। गुड लक इंस्पेक्टर। गुड बाय। बाय बाय। देखा इंस्पेक्टर, साफ निकल गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वो छड़ी अपनी वहां भूल आया, इसलिए दूसरी छड़ी लेकर आ। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर, फॉर गॉड सेक पुलिस के मामले में दखल ना दीजिए। आपकी वजह से मैं भी बेवकूफ बन गया। लेकिन मैं नहीं बना इंस्पेक्टर, ये मत भूलो मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर को अपनी उंगलियों और अपनी आंखों पर नाज होता है। Thank you.
गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अगर तुम ये समझते हो कि पायल की आवाज से डरकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। क्या बकवास कर रही हो? ठीक कह रही हूँ। चिल्ला मत, जो कुछ कहना अंदर चल के कहो। चलो लीव मी। साथ में क्या खाएंगे आप? अरे आओ आओ कृपाजी, रेसवानी बैठो, थोड़े कुछ लोगे। गेंडा मल, जब मैं रेस गया था तुम ऐसे ही बैठे हुए थे, जब मैं रेस से वापस आया हूँ तब भी ऐसे ही बैठे हुए हो। हिले तक नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो ना, ये कलकत्ता, ये बम्बई, ये मद्रास, ये कभी हिलते हैं? नहीं ना। तो फिर सामने होते हुए गेंडामल कैसे हिलेगा? You are right, ये हिल जाएंगे मगर तुम कभी नहीं हिलोगे। अरे फिर थोबड़ा लटका हुआ लगता है, आज फिर घोड़ दौड़ में हार गए हो। अरे हाँ हार गया। आज घोड़ियों पर माल लगाया था, सोचा था उनका दिल नरम होगा, उनको दया आ जाएगी, मगर सारी घोड़ियाँ मुंह फेर गईं। अरे घोड़ियों ने तो मुंह फेर लिया, लेकिन ये बता तेरा घरवाली से कैसा है? पैक दे। बोल, घरवाली से कैसा है? अरे जैसा छुरी के साथ खरबूजे का होता है ना, अरे रोज लात मारती है, खा लेता हूँ, शरीफ आदमी हूँ ना। अरे जब घर की घोड़ी को दया नहीं आई तो भार वाली को कैसे आएगी? तू अपनी तकदीर बदल। तेरी आवाज कैसे बदल गई? अबे मैं बोल रहा हूँ। अरे यार हार के मेरी मत मारी गई है, तुम क्यों बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि तू कोई जादू टोना कर। टोना? खिचड़ी वाले बाबा का टोना है। खिचड़ी वाले बाबा? अरे ये भी कोई नाम है? इसलिए पड़ गया है कि वो खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी पीते हैं, खिचड़ी से नहाते हैं, यहाँ तक कि आंखों में सुरमे की जगह वो खिचड़ी की सिलाई फेरते हैं। बड़े पहुंचे हुए। मगर वो कितने पहुंचे हुए हैं? अबे उल्लू के पट्टो, पहले बुजुर्गों की बात तो सुन लो। आपके लिए क्या लाऊं साहब? तेरी खोपड़ी अबे माल ही नहीं है। चार्ली मेरे भाई, आज उधार पिला दे, आज खीसा खाली है। तुम्हारा खीसा खाली तो घर जाकर बजाओ ताली, जाओ जाओ। अरे तेरी जान की कसम मेरा खीसा खाली है यार, खाली है। मेरी जेब में लिफाफा, मेरी बीवी के नाम चिट्ठी, ये कौन आ गया? लिफाफे के अंदर लिफाफा? अरे भी लिफाफा ना हुआ, प्याज हो गया, छिलके के अंदर छिलका। कोई गड़बड़ है, मेरी बीवी के नाम चिट्ठी। अरे मार दिया पापड़ वाले को। अरे आज किस्मत खुल गई मेरी, अरे लॉटरी लग गई लॉटरी। आज मेरी तरफ से सबको मुफ्त दारू पिलाओ, मछली खिलाओ। अरे अलाउद्दीन का चिराग मिल गया मुझे। Thank you.
हाय हाय रे होना, अरे आ गए यारो जीने के दिन, दिन खेलने खाने पीने के दिन, दिन नाचो प्यारो के मौजे मारो, चिराग दे गए अल्लाह दीन। हुकुना हाय रे हुकुना, हाय रे हुकुना, हाय हाय रे हुकुना। अब देखना मेरे लाल किस्मत के घोड़े की चाल, अब देखना मेरे लाल किस्मत के घोड़े की चाल, हाथ मिलाओ लगाएंगे दाव, अब एक एक पर तीन तीन। हुकुना हाय रे हुकुना, हाय रे हुकुना, हाय हाय रे हुकुना। आ गए यारो जीने के दिन, दिन खेलने खाने पीने के दिन, नाचो प्यारों के मौजे मारो, चिराग दे गए बल्ला जी। हुकुना हाय रे हुकुना, हाय रे हुकुना, हाय हाय रे हुकुना। दुनिया बनेगी गुलाम, झुक झुक करेगी सलाम, दुनिया बनेगी गुलाम, झुक झुक करेगी सलाम, आगे पीछे हमारे होंगे जमाने भर के हंसी। हुकुना हाय रे हुकुना, हाय रे हुकुना, हाय हाय रे। हाँ आ गए यारो जीने के दिन, खेलने खाने पीने के दिन, नाचो प्यारो के मौजे मारो, चिराग दे गए अल्लाह दी। हुकुना हाय रे हुकुना, हाय रे हुकुना, हाय हाय रे हुकुना। आ गए यारो जीने के दिन, दिन खेलने खाने पीने के दिन, नाचो प्यारों के मौजे मारो, चिराग दे गए अल्लाह दी। हुकुना हाय रे हुकुना, हाय रे हुकुना, हाय हाय रे हुकुना। हुकुना हाय रे हुकुना, 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 हाय रे हुकुना। हेलो अशोक, चुप क्यों हो? समझ गई वो चुड़ैल शोभा होगी घर में। कितना इंतजार किया है तुम्हारा, कह दो। इंतजार में भी अजीब मजा है डार्लिंग, वहां तो करो। कौन कौन हो तुम?
अशोक, मैं अब और नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। लगता है कोई जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे छोड़कर मत जाओ अशोक, मैं अकेली रही तुम्हारे डर के मेरी जान निकल जाएगी। तुम समझती क्यों नहीं शोभा, ये सब हमें डराने की एक चाल है। किसकी? जानता तो उसकी गर्दन न दबा देता। ये सब गौरी की आत्मा कर रही है, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शोभा। यकीन करो अशोक, तुमने एक मासूम लड़की की जान ली है, उसकी रूप बदला लेने के लिए तड़प रही है। सुना है जो खातिर कानून से बचाते हैं उन्हें कत्ल होने वाली रूहें कभी नहीं छोड़ती। ये सब बकवास बंद करो। अशोक तुम जो भी कहोगे मैं सुन लूंगी, मगर इस मनुष्य को फौरन छोड़ दो प्लीज, कहीं और चलो। तो चलो तुम्हारी बहन के घर चलते हैं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गई, तुम वो खत हासिल करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जब तक वो खत है तभी तक मैं हूँ। हाउ स्टूपिड शोभा, उस खत को लेकर मैं क्या करूंगा, मैं तो यही कह रहा था चलो कहीं और चलते। कम ऑन नाउ। बात है, धीरे धीरे। शाबाश शाबाश साहब, यही है वो हवेली। वाह मेरे शेर। अबे टटपूंजिए, तूने ये घोड़ा कौन से तबेले से खरीदा था? करे कमर में झटके आके मेरी कमर का हारमोनियम बज गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुझे नया घोड़ा खरीदवा देंगे और इस बजर बट्टू को टट्टुओं की रेस में दौड़ाएंगे। वो तो बात की बात है साहब, लेकिन मेरा किराया तो देते जाइए। कितना हुआ किराया? सिर्फ 5 रुपया। 5 रुपए? अब हमारा स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है, हम तुझे 5 के 50 देंगे। देखो मुझे 50 नहीं, सिर्फ 5 ही रुपया दे दीजिए। 5 रुपए किस उल्लू के पट्टे के पास है? बात ऐसी है तांगे वाले, हम बड़े लोग चिल्लर नहीं रखते हैं, चेक रखा करते हैं। बैंक में जाएंगे, कैश करा के लाएंगे और तुम्हें देंगे। साहब इधर कौन सी बैंक है? बैंक है, प्राइवेट है, अनलिमिटेड है, और मेरा है। तू क्या समझेगा? मैं सब समझता हूँ, पहले मेरे पैसे निकालो। अरे मेरी कोर्ट की स्त्री खराब हो जाएगी, कोर्ट छोड़। हो जाने दो, पैसा निकालो। कोर्ट छोड़। पैसा? कोर्ट छोड़। नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट छोड़। नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट छोड़। नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट छोड़। नहीं छोड़ूंगा। मैं टांगे तोड़ दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। मेरी टांगे तोड़ दूंगा। क्या बात है भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या बात है? बात ये है कि ये बद्दा लगाम पकड़ने वाला बेलगाम मेरे गरीब भान को पकड़ के मुझे गोल गोल घुमा रहा है 5 रुपए के लिए। मेरा नाम है खोरपाचन रेशवानी और मुझे एक मिस्टर अशोक की तलाश है। डू यू नो हिम? क्या काम है? काम? काम तो ऐसा है कि वो सुनेगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम तमाम हो जाएगा। मैं ही अशोक हूँ। तुम अशोक हो? मैं तो समझा था के तुम कोई बड़े सॉलिड आदमी होगे, मगर मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा वो राज है कि मैं तुम्हारी छुट्टी कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हारी छुट्टी करूँ, इसको 5 रुपए देकर इसकी छुट्टी कर दो। ले अब 50 नहीं मिलेंगे, जा निकल ले टट्टू लेके टटपूंजिया कहीं का। चल मेरे से, शाबाश। अच्छा तो तुम हो मिस्टर अशो? आपको कोई शक है? मुझे शक हो या ना हो, मगर तू शक में न रहना, मैंने बड़े बड़ों के दही बड़े बना दिए हैं। आप तो खामखा पहेलियां बुझा रहे हैं, कम टू द पॉइंट। हमें तड़पा तड़पा के मारने में मजा आता है। मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, मैं शोभा का जीजा हूँ। शोभा ने मेरे पास एक चिट्ठी जमा कराई थी। कैसी?
अगर मैं उसे पुलिस में दे दूं तो घंटी बजी के नहीं बजी? कैसे नहीं बजेगी, मेरा नाम खुरपा चंद रेसवानी है, खोद के रख देता हूँ। क्या कर देता हूँ? खोद के रख देता हूँ। खुरपा चंद जी बताइए मुझे करना क्या होगा? यहाँ नहीं, तुम्हारी तिजोरी की छत्र छाया मैं बताऊंगा। आओ। वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ तो इनकम टैक्स वाले बैठे हैं। इनकम टैक्स वाले बैठे हैं? मगर अपना धंधा तो ब्लैक का है, कहीं और चलो। चलिए, रखिए तशरीफ गाड़ी में। चल चल, रखिए तशरीफ गाड़ी में, बड़ा तशरीफ वाला बनता है, देखता हूँ तेरी तशरीफ गाड़ी में। काफी तेज भागती है ये गाड़ी, ये तो गर्मी में भगाने के लायक है। कितने की है ये गाड़ी? ये कोई 50,000। बस 50,000 रुपए? कल ही मैं भी ऐसी गाड़ी खरीद लूंगा, लेकिन मुझे तो बस की जरूरत है क्योंकि मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है। बस कितने की आएगी? ये 1,00,000 रुपए। बस 1,00,000 रुपए की बस भी खरीद लूंगा और ये गाड़ी भी खरीद लूंगा। खत्म हो गया, ये फिक्री तंबाकू की तलब भी बहुत बुरी है। सिगरेट है तुम्हारे पास? सिगरेट खत्म हो गई, अभी लाया। क्या और सिगरेट लेकर आओ, वो देखो सिगरेट की दुकान, देखो बढ़िया क्वालिटी की सिगरेट लाना, हम घटिया किस्म की सिगरेट नहीं पीते हैं। जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ। कहीं इतने पिस्तौल तो नहीं छुपा रखा है? अरे बहन, सोने का भूनी अच्छी हुई है। ये लीजिए सिगरेट, सोने का है, हराम का माल हमें हजम होता है। आइए। आ रहा हूँ, समझ गया, यहाँ इनकम टैक्स वाले नहीं आ सकते। यहाँ पर सिर्फ आप जैसे वेल्थ टैक्स वाले आ सकते हैं। ये हुई ना हेल्थ की बात, माल निकाल। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? अरे गनीमत समझ के ब्लैकमेल कर रहा हूँ, तूफान मेल नहीं कर रहा। अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, भोला बना हुआ है। खामखा इल्जाम लगा रहे हो, क्या होशियारी की है मैंने? क्या होशियारी की है? शोभा के चेहरे पर अपनी पत्नी का चेहरा लगाकर उस पर लंबा सा निशान बनाकर आशा को डराता रहा, ये होशियारी है कि नहीं? बोल। और फिर आशा के हाथ से अपनी पत्नी की छुट्टी करवा दी ताकि आशा खून के इल्जाम में पकड़ी जाए और तू उन दोनों की दौलत हजम कर जाए, ये होशियारी है कि नहीं? बोल 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 बोल, बोल। बोलता क्यों नहीं? मगर इसका क्या सबूत है? सबूत सबूत इस चिट्ठी में है जो मैंने अपने दिल की धड़कनों के साथ लगा के रखी है। जैक पॉट का टिकट है बेटा, और वो भी एक ही है, मान निकाल। अगर मैं मान ना दूं तो? अरे ये तो गड़बड़ कर रहा है, मगर मैं ढीला क्यों पड़ रहा हूँ? अशोक सेठ कैसे नहीं दोगे? इस चाकू को छोटा नहीं समझना, ये ऑटोमेटिक चाकू है, पेट में जाके चौड़ा हो जाता है और इतना बड़ा सोराख कर देता है कि 12 घोड़े एक साथ गुजर जाते हैं। लेकिन तुम्हारा ये हाथ क्यों कांप रहा है? हाथ क्यों कांप रहा है? ये तो वाकई में कांप रहा है, मगर
मेरे हाथ कांपने पे नहीं जाना। हर एक्टर का, हर लीडर का अपना अपना स्टाइल होता है। जब मैं गुस्से में आता हूँ तो मेरे हाथ कांपने का स्टाइल होता है। इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। हाँ, लेकिन ये चाकू जरा थोड़ी दूर रखो। दूर रखो, हो गई ना छुट्टी। अरे मेरा नाम खुरपा चंद रेसवानी ऐसे ही नहीं है, खोद के रख देता हूँ। तिजोरी कहाँ है? लाओ चिट्ठी दे दो। नहीं दूंगा, पहले लो, पहले लो। सीधी तरह दे दो। दे दो। और याद रखो, याद रखो, इससे पहले मैं तीन खून कर चुका हूँ। तीन पत्ते का होगा। एक की तो गर्दन मूली के पत्ते से काट दी थी। किससे काटती थी? मूली के पत्ते से काटी थी। लाओ चिट्ठी दे दो। मुझे छोड़ दे, चिट्ठी दे, मुझे छोड़, चिट्ठी दे, मुझे छोड़, चिट्ठी ले, मुझे छोड़। अरे बचाओ, पुलिस आ रही है। हट, हट, इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो उसको, इसने तीन खून किए हैं। पकड़ लो उसको, पकड़ लो। चलो आप चलो। वो नहीं, तुम चलो, तुम चलो। अरे मैं तू चलूं? इसको पकड़ो, इसने खून किया है, इसको पकड़ लो। अरे खूनी है, पकड़ लो इसको, पकड़ लो इसको। इंस्पेक्टर, तुम इससे मिले हो, मैं तुमको अंदर करवा दूंगा। देखा इंस्पेक्टर, मेरा ख्याल बिल्कुल करेक्ट निकला। मैं आपको हमेशा कहता था कि मुझे अशोक पर शक है और आप हमेशा टाल जाते थे। मेरे ख्याल में अशोक की गिरफ्तारी के लिए यह लेटर काफी है। लेकिन जब तक शोभा का हैंडराइटिंग ना मिलाया जाए, कैसे कह सकते हैं कि यह खत उसी ने लिखा है? हेलो मिस्टर अशोक, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मिस आशा की तबीयत जरा ज्यादा खराब होगी, आप फौरन चले आइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस शोभा, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। कोई मिस्टर खुरपा चंद रेसवानी है, वो कहते हैं कि वो आपके जीजा जी हैं। जी जी हाँ, क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? शराब पी के सड़क पे उधम मचा रहे थे, पकड़े गए। आपको चल के उनकी जमानत देनी होगी। गुड इवनिंग अशोक। अरे तुम यहाँ बैठी हो, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों? हाँ थैंक गॉड, किसी ने खामखा फोन कर दिया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। जिसने भी फोन किया बहुत अच्छा किया, इस बहाने तुम्हारे दर्शन तो हुए। क्या तुम खुश नहीं हो? क्यों नहीं, मेरा तो दिल करता है हमेशा तुम्हारे पास बैठा रहूं, लेकिन क्या करूं। अच्छा मैं चलता हूं। सुनो, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे भाई तुम्हारे ही काम से जा रहा हूं, तुम्हारे प्रॉपर्टी की झंझट ने परेशान कर रखा है। अब देखो ना, अभी अभी वकील से मीटिंग है। कितनी खुशकिस्मत हूं, मेरा सारा बोझ तुमने संभाल दिया है। तो तुम पर कौन सा एहसान किया, अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। अच्छा चलता हूं, बाय बाय। हाँ, अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। मेरे 12 बच्चों, तुम तो जमानत के लिए आ जाओ। यही है जी। हाँ, आई एम सॉरी, इनकी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। दैट्स ऑल राइट, चलिए। अरे साली, साली जी, साली जी, शोभा जी। अरे अरे, कटघरे के पीछे से बहनोई की आवाज भी पहचाननी भूल गई। कैसे मटक मटक के निकल गई मटक को। अरे मेरा नाम भी खुरपा चंद रेसवानी है, खोद के रख दूंगा, खोद के रख दूंगा। आप यहाँ साइन कर दीजिए। जी क्या एक मेहरबानी करेंगे? फरमाइए। कोशिश कीजिएगा कि मेरे बहनोई वहां न पहुंचे जहां मैं ठहरी हूं, बल्कि सीधे अपने घर जाएं। मेरा मतलब है, चिंता से मेरी बहन की जान जा रही होगी। मैं समझ गया, आप इत्मीनान रखिए, उनको आप तक पहुंचने का मौका नहीं दिया जाएगा। थैंक यू। अब मैं जा सकती हूं? जी, थैंक यू। आइए। दस्तखत एक ही है,
मैं वारंट तैयार करता हूं। शोभा, 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 शोभा कहाँ है? जी वो शोभा कहाँ है? जी वो कहीं बाहर गई है। बाहर कहाँ गई है? जी वो जल्दी बोलो जल्दी। जी वो इंस्पेक्टर साहब आए थे, उनके साथ गई है। पुलिस स्टेशन। ठीक है तुम जाओ, वहां नहीं बाहर जाओ। अच्छा गई थी, मैं पूछता हूं कहां गई थी? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने और पुलिस स्टेशन? सरकारी गवाह बनकर अपनी जान बचाने गई थी? मेरी मौत के बदले अपनी जिंदगी मांगने गई थी? ये सब झूठ है अशोक। तुम इतना क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है और तुम्हारी जिंदगी मेरी मौत। अशोक, तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मैं खामोश रहा। तुम मेरे रास्ते की दीवार बनी, मैंने कवारा किया। लेकिन पुलिस से मेरी जिंदगी का सौदा करो, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं। अशोक, मैं इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूं। आपको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। आपकी बेहतरी इसी में है कि आप हथियार डालकर फौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। मिस्टर अशोक, come on.
कलाइयों पर टिकने वाली उंगलियां इतनी नाजुक नहीं जितना तुम समझते हो। इंस्पेक्टर, गोली मत चलाइए, मैं अंदर आ गया हूं। फायरिंग बंद करो। जिस खानदान के टुकड़ों पर तुम्हारे मनहूस बचपन ने जवानी का मुंह देखा उसी को काट खाए बेटे। इस हवेली के लिए, इस दौलत के लिए तुमने मासूम गौरी को अपने रास्ते से हटा दिया ताकि तुम्हारे गुनाहों का कोई सबूत ना रहे। हाँ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू डाई। बंदूक पास हो तो मिट्टी के हाथ भी लोहे के हो जाते हैं डॉक्टर। ओ, अब देख ये हाथ मिट्टी के हैं या लोहे के। Thank you.